सतना इंदौर नीमच के बाद रीवा में भी एक युवक को मारने का वीडियो सामने आया है। चोरी के शक में युवक की कुछ लोगों ने लात घूंसे और बेल्ट से पिटाई कर दी। युवक को सड़क में लेटाकर उसकी छाती में चढ़कर बेदर्दी से पिटाई की गई। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां चोरी के शंका पर सरेआम सड़क के बीच कुछ लोग एक व्यक्ति की लात घूंसों और बेल्टों से लगातार पिटाई करते नजर आ रहे हैं और उसको गालियां भी दे रहे हैं। मारपीट करने वाले एक युवक ने तो हद ही पार कर दी और हद पार करते हुए पीड़ित की छाती पर चढ़कर उसे लात मारी। इस दौरान पीड़ित युवक की जान भी जा सकती थी। वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। हालांकि कुछ लोगों ने इस तरह मारपिटाई का विरोध भी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक चोरी में शामिल ना होने की बात कहकर जान की भीख मांग रहा है, लेकिन ये निर्दयी लोग उसे लगातार बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस अमला कहीं नजर नहीं आ रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट की घटना को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि क्या यही है तालिबानी संस्कृति। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।